इससे पहले के सेशन में हमने बात की थी हेल्थ केयर सिस्टम की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम्स की कौन से मुख्तलिफ मॉडल्स हैं कि जो काम करते हैं पूरी दुनिया में। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो शेयर नहीं की तो प्लीज़ उन लोगों से शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो, और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं और जो सेशन चैनल को सब्सक्राइब। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ हेल्थ केयर मॉडल्स हैं जो कि काम करते हैं, जो कि हेल्थ केयर सिस्टम्स को शेप करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मॉडल ऐसा नहीं है जो कि पूरे तरीके से लोगों की नीड्स को पूरा करता हो और जिसको हम कह सकते हो कि वो बहुत अच्छा हो। हर मॉडल्स के अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं, और हम इस आज ये देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम दुनिया में देखें तो चार तरह के मॉडल्स हैं पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, यूएसए को छोड़ के, कि जहाँ पे कोई एक सिंगल सिस्टम मौजूद नहीं है इंश्योरेंस का या कोई दूसरी हेल्थ केयर मॉडल का, बट अदरवाइज दुनिया में आपको चार तरीके के मॉडल्स मिलते हैं। बेवरेज मॉडल, बेस्मार्क मॉडल, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल और आउट ऑफ पॉकेट मॉडल। तो इन सबको एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या है। तो सबसे पहले बिस्पक मॉडल, सॉरी बेवरेज मॉडल, विच वाज प्रेजेंटेड बाय विलियम बेवरेज, उसको देखते हैं कि वो क्या है। इस मॉडल के अंदर हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो फंड होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट वो पैसे कहाँ से लेती है, वो इनकम टैक्स लेती है एम्प्लॉयर से, जो लोग काम करते हैं उनके एम्प्लॉयज से, बजाते खुद एम्प्लॉयर से, और ऐसे तमाम लोग जो काम कर रहे हैं और ये काम करवाते हैं दूसरों को, उनसे टैक्स लिया जाता है और पेमेंट की जाती है। हेल्थ केयर जनरली तमाम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अस्पताल या बाकी सर्विसेज जितनी भी हैं वो गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, और हेल्थ केयर स्टाफ जो काम कर रहा हो अस्पतालों के अंदर या हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर, वो अब स्टेट के साथ एम्प्लॉयड गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं या पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। इस तरह का मॉडल आप देखते हैं यूके, स्पेन, क्यूबा और न्यूजीलैंड के अंदर। दूसरा मॉडल है बिस्मार्क मॉडल, जो कि ओटो वॉन बिस्मार्क ने प्रपोज किया था। इस मॉडल के अंदर भी जो आपकी जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू फंडेड होती है, और इंश्योरेंस पेमेंट कैसे आती हैं, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय दोनों मिलकर भेजते हैं पेमेंट्स उसको। ऐसे लोग के जिनको इस तरह की स्कीम से एक्सेस है कि उनकी कंपनीज या उनके जॉब के जहाँ पे वो काम करते हैं वो इस तरह की इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको एक सिकनेस फंड के हिसाब से उनको एक्सेस होती है, जो कि वो यूज कर सकते हैं जब उन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल करने की जरूरत हो। हॉस्पिटल और हेल्थ सर्विसेज आर यूजली प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इंश्योरर्स के जरिए से उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन इंश्योरर्स को प्रॉफिट लेना अलाउड नहीं होता। प्राइस ऑफ हेल्थ केयर सर्विस बहुत ज्यादा टाइटली कंट्रोल्ड होती है बाय लॉ, और इस मॉडल को आप इम्प्लीमेंटेशन की शक्ल में देखते होंगे फ्रांस, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड के अंदर। फिर आ जाता है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल। एक तरीके से देखें तो ये मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस टू मॉडल्स दैट वी टॉक्ड अबाउट। तो पीछे के जो दो मॉडल्स हैं उसी को साथ मिला के एक तीसरा मॉडल है। गवर्नमेंट यूजली सिंगल पेयर होती है तमाम हेल्थ केयर सर्विसेज की, और जो पैसे हैं या फंड्स हैं वो रेस किए जाते हैं थ्रू स्टेट ऑपरेटेड इंश्योरेंस स्कीम्स के जरिए से, कि जिसमें हर सिटीजन को पैसे देने पड़ते हैं, एंड द इंश्योरेंस प्रोग्राम इज यूजली आउट ऑफ प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट, और किसी का कोई भी क्लेम डिनाई नहीं किया जाता। ज्यादातर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज होती हैं, और इस तरह की आप जो सर्विसेज हैं ये इस तरह का सिस्टम की एग्जांपल आप देखते हैं कनाडा और साउथ कोरिया के अंदर। फाइनली आउट ऑफ पॉकेट मॉडल, जैसा कि नाम बताता है, आप अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं, कोई यूनिवर्सल इंश्योरेंस या कोई इनकम टैक्स का सिस्टम इस मुल्कों में नहीं होता। ज्यादातर इस तरह का मॉडल डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जा रहा है। हेल्थ सर्विसेज आमतौर पर हमेशा अवेलेबल नहीं होती हैं, जब होती हैं तो इतनी ज्यादा महंगी होती हैं कि लोग उनको अफोर्ड हर वक्त नहीं कर पाते, और इस मॉडल की एग्जाम्पल आपके पास है इंडिया, चाइना, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका।
अब ये कोशिश करते हैं कि हम इन चारों मॉडल्स को कंपेयर करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा अच्छा है और कौन सा फायदे और नुकसान हर मॉडल के कौन से हैं। तो अगर आप बेवरेज मॉडल को देखें तो उसमें हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री हैं, हर किसी को हेल्थ केयर सर्विस मिल रही होती है, कॉस्ट जो है वो काफी कम है क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही बायर है विच इज द गवर्नमेंट, और लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो दवाइयां खरीदें या मेडिकल बिल्स जो है वो अपने भरें। हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा हो सकता है, वेटिंग लिस्ट काफी ज्यादा लंबी हो सकती है, फंडिंग द सिस्टम कुड बी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली कि जैसे एजिंग पॉपुलेशन जब आप देखें कि हो रही है तो वहां पे यंग लोग जो है वो अगर काफी कम है और इतना टैक्स देना और नीड्स को पूरा करना उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। सारे लोगों को जो एक कंट्री के अंदर रहते हैं उनको टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट दे आर यूजिंग इट और नॉट। बिस्मार्क मॉडल के अंदर भी इसी तरह की फायदे और नुकसान हैं, तो वो लोग के जिनको इससे एक्सेस हासिल है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको इस बात की टेंशन नहीं होती कि किस तरह से पैसे भरे जाएंगे अगर कोई बीमार हो गया उनकी फैमिली में या वो खुद। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम होती है क्योंकि एक ही इंश्योरर या उसका तरीका एक कार जो है वो काफी एस्टेब्लिश्ड होता है, वेटिंग टाइम काफी कम हो सकता है। लेकिन अगर इसके हम डिसएडवांटेजेस देखें तो अगर कोई इलेक्टिव सर्जरीज या दूसरी इस तरह के प्रोसीजर्स लोगों ने करवाने हैं तो उसके वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा लंबे हो सकते हैं, टैक्सेस जो लोग भर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और ऐसे लोग के जिनके पास इस स्कीम को जो मेंबर्स नहीं हो उनको हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल सकती। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस मॉडल को देखते हैं, अगेन हर किसी को हेल्थ केयर सर्विस से एक्सेस होती है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है इंश्योरेंस की जो कि काफी फायदा है उसका, जिसकी वजह से कॉस्ट है वो काफी लो रह सकती है, लेकिन वेटिंग लिस्ट किसी भी प्रोसीजर को करवाने के लिए या हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए वो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है। और आउट ऑफ पॉकेट मॉडल की अगर हम बात करें तो इसमें टाइम तो शायद कम लगेगा सर्विसेज लेने के लिए, लेकिन और सर्विसेज शायद आपको अच्छी भी मिल सके डिपेंडिंग ऑन के लोगों की नीड्स क्या हैं, लेकिन कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकती है और हेल्थ केयर सर्विसेज हर किसी को अवेलेबल नहीं हो सकती, और उसके अलावा कंट्रोल करना और चीजें देखना इस सिस्टम के अंदर भी काफी मुश्किल हो सकता है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करके देखें तो पूरी दुनिया के अंदर चार मॉडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, हर मुल्क अपनी नीड्स के हिसाब से हेल्थ केयर मॉडल्स को अडॉप्ट करते हैं, और जरूरी नहीं है कि किसी भी एक मुल्क में सिर्फ एक ही मॉडल इस्तेमाल किया जाता हो बल्कि एक से ज्यादा मॉडल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इनमें से कोई भी हेल्थ केयर मॉडल परफेक्ट नहीं है जब इसको रियलिटी में इस्तेमाल किया जाए, तो इसलिए ये जरूरी है कि हम एक तो परफेक्ट मॉडल को देखेंगे कौन सा है और किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, बल्कि वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट केयर इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी एंड रिगार्डलेस ऑफ हू दे आर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि इससे आपको फायदा हुआ हो, अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।